सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी पत्रकार दोस्तों का जो इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ हाजिर हो गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चुनाव हम प्रियंवदा देवी के ढोंग और पाखंड के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी सगी बेटी के साथ उन्होंने जो बदसलूकी की है, जो नाइंसाफी की है, उस अन्याय के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जनविरोधी नीतियों और कार्रवाइयों के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और आज चुनाव के इस आखिरी दौर में हमारी पार्टी की उम्मीदवार, हमारी बहू कृतिका भागवत कुसुमपुर के मतदाताओं के नाम एक अपील जारी करने जा रही हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बहू से कि वो यहां आए और अपनी बात आप लोगों के सामने रखें। बेटा, बचपन से मैंने पापा से सुना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया के बगैर लोकतंत्र अधूरा होता है, क्योंकि सिर्फ मीडिया ही है जो सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सकता है। और आज इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक सच्चाई शेयर करना चाहती हूँ और इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। सच्चाई ये है कि कुसुमपुर में ये इलेक्शन धोखेबाजी और बेईमानी के बल पर लड़ा जा रहा है। मुझे इस इलेक्शन में साजिश रचकर धोखे से फंसाया गया है। मैं कुसुमपुर के जनता से अपील करती हूँ कि इस इलेक्शन में वो लोग मुझे नहीं, प्रियंवदा देवी को वोट देकर जितवाए। आपने जो कुछ भी सुना सब भूल जाइए। मैंने जो कुछ भी कहा उसे लोगों तक पहुंचाइए। भागवत जी, आपके उम्मीदवार प्रियंवदा जी का प्रचार कर रही है, ये आप लोगों की कैसी मिलीभगत है? भागवत जी, कहीं अंदर ही अंदर चुनाव में आपने प्रियंवदा देवी के साथ कोई डील तो फाइनल नहीं की? ये चुनाव हम प्रियंवदा देवी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगता है हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी उम्मीदवार को प्रियंवदा देवी के लोगों ने बरगलाया है, बहकाया है। यहाँ पर जो कुछ भी बात हुई है उस अपील को हमारी पार्टी यही रद्द करती है। आपको अखबारों या न्यूज चैनल में यह खबर देने की जरूरत नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर कल हेडलाइन बननी चाहिए। कृतिका जी, आपके इस बगावत की वजह आपके साथ किन लोगों ने धोखा किया है? कृतिका जी, मेरे साथ? मैंने कहा ना आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। रघुनंदन, बस 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 बस, देखिए बच्चों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। पर रघुनंदन जी, बस नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी उम्मीदवार होकर तुमने उस माँ को जिताने की बात की है जिसने तुम्हारा जीते जी पिंडदान कर दिया।